और यहाँ पर देखिए सब कुछ जम चुका है। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं गिर गंगा और ये है मंदिर की सीढ़ियाँ। सारे रास्ते पर स्नो ही स्नो है। पर एक शिव मंदिर भी है जो आपको मैं अभी दिखाने वाला हूं। मैं भूले ना। तो इस सफर की शुरुआत हुई पिछले हफ्ते, जब बहुत ज्यादा ठंड में हमने डिसाइड किया कि चलो एडवेंचर किया जाए और एक क्विक से ट्रिप करके आया जाए। तो हम निकले दिल्ली से जीरकपुर होते हुए, हमें रुक करना था अपने फेवरेट पहाड़ों की ओर। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के बज रहे हैं 3:26 और हम हैं जीरकपुर के अंदर। रात को एकदम अनप्लान्ड 1 घंटे में डिसाइड हुआ कि एक बहुत ही अच्छे डेस्टिनेशन पे चल रहे हैं, हालांकि स्नोफॉल हो रहा है और बहुत तेज़ ठंड हो रही है, फिर भी हम इस मौके को यूज़ करना चाहते हैं और हमें बहुत तेज़ भूख लगी है। तो इस जर्नी की शुरुआत हो रही है जीरकपुर 24/7 से। वैसे तो हम बाहर का जंक फूड बहुत ही कम खाते हैं, लेकिन रिसेंटली हमारा टेस्ट डेवलप हुआ है 24/7 के वेज बर्गर के लिए। अच्छा लगा हमें, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, खा के आपको अपडेट देते हैं कि कहाँ जा रहे हैं। तो आज की हमारी डेस्टिनेशन है रोडू, जो शिमला से करीब 3-4 घंटे दूर पड़ती है। हालांकि ये बहुत ही पॉपुलर नाम है, लेकिन मैं यकीन के हाथ कह सकती हूँ कि आप में से काफी लोगों ने रोडू का नाम नहीं सुना होगा। तो हम लोग निकले 2 दिन के एडवेंचर पे। सुप्रभात, फिर से तो थोड़ा सा नैप के बाद हमने सफर को वापस जारी किया है। बहुत तेज नींद आ गई थी सबको, तो हमने गाड़ी रोक के 1 घंटे नींद लिया और अभी बहुत सुंदर सनराइज हो चुका है जो हम मिस कर चुके हैं। लेकिन अब शुरुआत करते हैं शिमला पहुंचने की। शिमला करीब 45 किलोमीटर अभी था, तो लगेगा टाइम, चलते हैं। चंडीगढ़ से शिमला का डिस्टेंस करीब 90 किलोमीटर का है और गवर्नमेंट ने ये काफ़ी अच्छा 4-लेन हाईवे बना दिया है, लेकिन तब भी बॉटलनेक बन जाता है शिमला का ट्रैफिक, जिसको क्रॉस करना अपने आप में ही एक नई गाथा है। तो इस बार हम आपको लेके जा रहे हैं रोडू में। हम एक बार पहले भी रोडू गए हैं, अगर आपने हमारे वीडियोस देखी हैं तो चंद्रनाहन ट्रैक हमने वहाँ किया था, बट हमने उसको अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया था। तो इस बार हम रोडू को अच्छे से एक्सप्लोर करने का प्लान कर रहे हैं। तो उसमें हम कवर करने वाले हैं गिरी गंगा को और चांचल पास को। फिलहाल बज रहे हैं 9 और हम लोग क्रॉस कर रहे हैं शिमला टाउन को, मेन शिमला टाउन को, और बहुत तेज़ भूख लगी है तो कुछ ब्रेकफास्ट का ऑप्शन देख रहे हैं। सनलाइट बहुत सुंदर लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है ठंड में। कल रात को स्नोफॉल हुई है सब जगह, तो ठंड काफ़ी ज़्यादा है। शिमला से रोडू का सफर करीब 108 किलोमीटर का है और इसको कवर करने में आपको 4 घंटे आराम से लग जाएंगे। ये रास्ता शिमला से कुफरी होते हुए आपको रोडू ले जाएगा और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे आपके साथ चलते हैं। रोडू बहुत ही ज्यादा ऑफबीट जगह है, हालांकि ये शिमला से काफी करीब है, लेकिन तब भी ये अभी तक वो टूरिस्ट अटेंशन नहीं ले पाया है जो शिमला को मिली हुई है। रोडू से आपको बहुत ज्यादा अनएक्सप्लोर्ड ट्रैक्स भी कवर करने को मिलते हैं। यहीं से रास्ता जाता है चंद्रनाहन 7 लेक्स ट्रैक का, जिसकी वीडियो हमारे चैनल पे है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसको देख सकते हैं। और बहुत ही फेमस बुरान घाटी ट्रैक भी रोडू से ही आगे जाके शुरू होता है। और पिछले 1.5 घंटे से हम शिमला क्रॉस करने का ट्राई कर रहे हैं और अभी तक हमसे शिमला क्रॉस नहीं हुआ है, क्योंकि आगे जाम वगैरह लगा हुआ है। हमने ये सफर कल रात को दिल्ली से करीब 11 बजे शुरू किया था और अभी समय हो चुका है 10 बज चुके हैं
हम अभी संजौली में हैं। एक्चुअली हमसे एक गलती हो गई, हम लोगों ने 2-3 घंटे का नैप ले लिया रास्ते में, और जिसकी वजह से हमें इस रश में फंसना पड़ गया है। तो अगर आप लोग रोहडू जा रहे हैं तो आप शिमला के रश को अवॉइड कर सकते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग में, तो आप ये गलती ना करें। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं ग्रीन वैली, कुफरी पहुंचने ही वाले हैं हम लोग। और ये देखिए, ये है ग्रीन वैली जहां पर आपको इतना रश दिखाई दे रहा है। ২০১৩ में मैं यहां पर पहली बार आया था और मुझे भी लोगों ने ऐसे ही लूट लिया था, बोल के कि यहां पर 15 स्पॉट दिखाएंगे जिसमें कि ग्रीन वैली एक है, तो आप बेकार में ना आए। काफ़ी देर हो चुकी थी और हमारा ब्रेकफास्ट भी लेट हो चुका था, तो इसी बहाने हम पहुंच गए अपने उस पॉइंट पे जहां पे हम हमेशा ब्रेकफास्ट करते हैं या फिर कह सकते हैं कुछ लाइट सा स्नैक करते हैं जब भी हम इस रास्ते पे आगे जाते हैं। तो आपको अब वहाँ लेके चलते हैं। तो हमें लगे ऑलमोस्ट 1 hour 45 minutes शिमला का ट्रैफिक क्रॉस करने में। मैं लास्ट 4.5 hours से ड्राइव कर रही थी और मैं थक गई मॉर्निंग से, क्योंकि इतना इरिटेटिंग ट्रैफिक था। एनीवे, अभी हम कुफरी के अंदर और हम यहाँ पे हैं एक स्पॉट पे जहाँ पे हम हमेशा टिक्की खाते हैं जब भी हम स्पीति जाते हैं या फिर कल्पा जाते हैं, फिर इस रूट पे कहीं भी आगे जाते हैं। बहुत ही अच्छी टिक्की बनाते हैं, टिक्की छोले हमने ऑर्डर किए हैं, और अगर कुछ और खाने का मन करेगा तो वो भी हम ऐड करेंगे। बहुत तेज़ भूख लगी है, 10:30 बज गए हैं सुबह के और सुबह से कुछ नहीं खाया है, तो अब खाएंगे। सो हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है और दिखने में बहुत ही यम्मी लग रहा है, मुझे पता है खाने में भी उतना ही यम्मी होगा। सो टिक्की तो हम लोगों ने सपड़ा दी है और अभी हम लोगों ने ऑर्डर किया है छोले कुलचे, और उसके अलावा अंकित ने ऑर्डर किया है बनाना शेक, और उसके अलावा अंकित ने ऑर्डर किया है 3 प्लेट शकरकंदी, और ये कह रहे हैं लाइट लाइट है, लाइट लाइट खा लेते हैं, थोड़ा सा लाइट लाइट सा मैटर हो जाए ब्रेकफास्ट में। छोले कुलचे खा लिए हैं और अब हमने मंगाई है शकरकंदी, लाइट लाइट सा लास्ट आइटम जिसमें हमारा पेट यहाँ तक भर चुका है। तो गाइस अभी हम क्रॉस कर रहे हैं फागू को और यहाँ पर हमें स्नोफॉल गिरी हुई है, एक्चुअली लाइव नहीं हो रही है, देख सकते हैं कल शायद रात को हुई है, कल रात को यहाँ पर स्नोफॉल हुई है। रोहडू के लिए आपको सबसे पहले शिमला टाउन को क्रॉस करते हुए फागू पहुंचना है और फागू के बाद आपको मिलेगा थियोग। थियोग से आपका जो रास्ता है वो अलग हो जाता है रोहडू के लिए, हम आपको वो दिखाएंगे जहां से आपको टर्न लेना है, रास्ता चला जाएगा स्पीति को और राइट टर्न हमने जो लिया है ये जाएगा रोहडू। जैसा कि हमारी लोकल फ्रेंड ने बताया था कि रोहडू में बीती रात को काफी स्नोफॉल हुई है, जैसे ही हमने रोहडू के लिए कट लिया हमें स्नोफॉल का पैचेस मिलने लग गए थे, और रास्ते में हमें ब्लैक आइस के काफी पैचेस मिलने लग गए। आप लोगों को बता दें कि ब्लैक आइस पे आपको काफी सावधानी से गाड़ी चलानी होती है। नवंबर दिसंबर वैसे तो ग्रीनरी वाइज काफी ड्राई मौसम होता है, लेकिन जहां जहां हमें ब्यूटीफुल ग्रीन पैचेस मिले हमने सोचा क्यों ना उसके एरियल शॉट्स लिए जाए और आप लोगों को दिखाया जाए। सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं होटल गिरिगंगा। पहले हम लोग यहां पर चेक इन करेंगे होटल में और उसके बाद हम गिरिगंगा देखने जाएंगे। ये है होटल गिरिगंगा जो यहां का बेस्ट होटल है और हमने यहां पर चेक इन कर लिया है। रूम आपको दिखा देते हैं, एक रूम में डबल बेड है और हमें उसके लिए 1524 पे करना पड़ा है। आपको बता दें कि इस जगह का नाम है खड़ा पत्थर और यहीं से ट्रैक शुरू होता है, तो ये काफी इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है। और ये है हमारा रूम, ये वॉशरूम है, आपको बैल्कनी व्यू दिखाते हैं।
तो हम लोगों ने होटल में कर लिया है चेक इन और हमने अपने कपड़े भी कर लिए हैं चेंज, हमने लेयरिंग कर ली है अंदर और ज्यादा, क्योंकि आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा बट कल रात की स्नोफॉल के बाद से बहुत ज्यादा ठंड हो रखी है। तो अब हम जा रहे हैं जो यहाँ देखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जगह है गिरगंगा, जो यहाँ से जिस होटल से 7 किलोमीटर दूर है। बोलते हैं वहाँ तक गाड़ी ऊपर जाती है बट कल रात को स्नोफॉल की वजह से थोड़ी ब्लैक आइस मिल सकती है, तो हम बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड इस एडवेंचर के लिए चल रहे हैं। तो आपको दिखाते हैं क्या मिलता है हमें रास्ते में। हालांकि हम लोग फॉर्च्यूनर लेकर आए हैं, वो 4x4 है, लेकिन बीच बीच में बहुत ज़्यादा ब्लैक आइस थी जहाँ पे गाड़ी स्केट कर सकती है। तो यही सेम अजम्पशन हम ऊपर लेके चल रहे हैं कि ऊपर का रास्ता काफ़ी नैरो भी है। होपफुली हम पहुँच जाएंगे, देखते हैं क्या होगा। तो हम फाइनली चल दिए हैं गिरिगंगा के रोड पे। ये हमारे होटल से कुछ हार्डली 100 मीटर दूरी एक कट है जिसको मिस करना काफ़ी इजी है, तो आप लोग मिस ना करें। ये करीब 7 किलोमीटर का ट्रैक है जिसको लोग शौक से करने आते हैं। रास्ता काफ़ी डुएबल है, लेकिन पूरा रास्ता गाड़ी के लिए भी बना हुआ है और हमारे टाइम पे 2:30 बज चुके थे और शाम होने को थी, ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी, इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि इसको हम कार से ही कवर करेंगे। आप देख सकते हैं कि विंटर्स के टाइम में ये जो रास्ता है थोड़ा रिस्की हो जाता है, इसलिए अगर आप यहाँ पर आएँ विंटर्स के टाइम में तो 4x4 ज़रूर लेकर आएँ, क्योंकि आप आगे देख सकते हैं कि ब्लैक आइस हो रखी है और अभी टाइम हो चुका है 3 बज चुके हैं और जैसे जैसे शाम ढलती जाएगी वैसे वैसे ये ब्लैक आइस और भी ख़तरनाक होती जाएगी और गाड़ी इस पर स्किड करना शुरू कर देती है। ये रास्ता काफ़ी डेंस फॉरेस्ट से होते हुए ऊपर की ओर जाता है, तो आपको रेकमेंड करेंगे कि शाम होने से पहले आप नीचे पहुंच जाएं, रात को इस रास्ते को क्रॉस ना करें। और हमारे सामने ये स्कूल के बच्चे जा रहे हैं, हम ट्राई करेंगे इन्हें लिफ्ट देने का। चल रहे हो क्या आप गाड़ी में? चलोगे? अच्छा आगे ये गिरिगंगा को ही जाएगा ना, ठीक है थैंक यू। यहाँ पर एक रास्ता जा रहा है नीचे की तरफ और एक रास्ता जा रहा है ऊपर की तरफ, हमने ले लिया है ऊपर वाला रास्ता। और देखिए आप जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जा रहे हैं स्नो की जो क्वांटिटी है वो भी बढ़ती जा रही है, हाथ ठिठुरने भी शुरू हो चुके हैं क्योंकि यहाँ पर मोस्टली ये जो शेड एरिया है वहाँ पर ठंड ज़्यादा रहती है। हमने करीब 4 किलोमीटर कवर कर लिया है ये रास्ता और 3 किलोमीटर रास्ता बचा हुआ है और अब सारे रास्ते पर स्नो ही स्नो है। तो जैसा आप लोग देखते आ रहे होगे वीडियो के अंदर, रास्ता काफ़ी ठीक ठाक है एंड एक फॉर्चुनर और एक 4x4 के लिए तो बहुत ही अच्छा है। थोड़ा बस बर्फ का हमें डर था, वो भी हमें नहीं लग रहा है, हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं और रास्ता सुंदर लग रहा है, बर्फ़ से कुछ कुछ बिस्कुट पीसेस गिरे हुए हैं उसके। और एक बात बता दें आपको कि अगर आप लोग गाड़ी से नहीं आना चाहते और आप इसको ट्रैक करके करना चाहते हैं जो हम भी करते, तो वो भी आप कर सकते हैं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं जो ट्रैक करना पसंद नहीं करते, इसलिए हम लोग इसको बाइक कार कर रहे हैं। चंद्रनाहल लेक ट्रैक के बारे में जैसे हमने आपको पहले बताया था, उसी के तरह गिरिगंगा भी पड़ता है बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड वैली में, जिसे कहते हैं पाबर वैली, जो पड़ता है रोड़ू में। आपको बता दें कि ये एक पूरा सर्किट है जो 3 स्टेज पे डिवाइडेड है। सबसे पहले है खड़ा पत्थर जो कि पड़ता है 2700 मीटर की एलिवेशन पे। इसके बाद 7 किलोमीटर का ट्रैक करके आप गिरिगंगा पहुंचते हैं जो कि है 3000 मीटर की ऊंचाई पे। अगर आपको इससे भी ऊपर जाना है तो गिरिगंगा से एक ट्रैक है जो आपको लेके जाएगा कूपर पीक पे जो कि पड़ता है 3300 मीटर की एलिवेशन पे। यहाँ पहुंचने में आपको लगेगा 1.5 घंटा करीब, तो आप इस पूरे सर्किट को जरूर कंप्लीट करें। हमारे पास टाइम कम था इसलिए हम गिरिगंगा से ही वापस आ गए।
हालांकि एक बात ध्यान देने वाली ये है कि गिरिगंगा से कोपर पीक का जो रास्ता है वो वेल मार्क ट्रैक नहीं है, तो आपको किसी लोकल गाइड के साथ ही ऊपर जाना है। और विंटर्स में ये रास्ता काफ़ी ज़्यादा स्नो से कवर्ड हो जाता है, तो इसको हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप इस ट्रैक को उस टाइम पर अवॉइड करें। तो करीब 40-45 मिनट के सफ़र के बाद हम लोग फाइनली मंदिर पहुंच गए और आखिरकार हम पहुंच चुके हैं गिरिगंगा। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं गिरिगंगा मंदिर। ये है गंगा मैया का मंदिर, बहुत खूबसूरत है और इस वक्त कोई भी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। तो चलिए आपको मंदिर दिखाते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं गिरिगंगा के बारे में, जिसके बारे में हम जब से वीडियो स्टार्ट हुई है तब से बात किए जा रहे हैं। आखिर क्या स्टोरी है इस जगह की? ऐसा बोला जाता है कि एक महात्मा पुराने समय में गंगा जल लेके हरिद्वार से जा रहे थे और उनके हाथ से लोटा छलक गया और इसीलिए इस जगह को गिरिगंगा कहते हैं। शिवरात्रि के दौरान और नवरात्रि के टाइम पे लोकल्स यहाँ पे भारी मात्रा में पूजा करने के लिए आते हैं और ये काफी उन लोगों के लिए रिलीजियसली स्पेशल प्लेस है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि पूरे रास्ते पे हमें ऑलमोस्ट कोई लोग नहीं मिले, तो ये काफी ऑफबीट जगह है। ये उतनी ही अनएक्सप्लोर्ड आपको समर्स में भी मिलेगी और समर्स में तो ऊपर आप कैंपिंग भी कर सकते हैं, लोकल्स भी करवाते हैं और आप अपना सामान लेकर भी यहाँ रुक सकते हैं। बहुत ही पीसफुल ऑप्शन है अगर आप शांति से मंदिर के पास ग्रीनरी के चारों ओर अपना कैंपिंग करना चाहते हैं। तो जब ऐसे ट्रैक करके या फिर ऐसे रास्तों को लेके हम ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां पे हम अपने कल्चर संस्कृति से रूबरू होते हैं, हमारे लिए पर्सनली ये बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है। आजकल के जनरेशन में ये कहीं ना कहीं मिसिंग है, तो हम अपने वीडियोस के थ्रू ये एक ऐसा इनिशिएटिव ले रहे हैं कि हम आप लोगों को इन चीज़ों से कनेक्ट कर पाएं और ये जो गैप है इसको कम से कम कर पाएं। ये जो आप चारों तरफ कुंड देख रहे हैं, इसके बीचों बीच में है दुर्गा माता का मंदिर, जो कितना सुंदर और डिवाइन फीलिंग दे रहा है। पर एक शिव मंदिर भी है जो आपको मैं अभी दिखाने वाला हूं। नंगे पैर ही यहां पर आना पड़ता है। मंदिर फिलहाल बंद है भोलेनाथ। और आप मंदिर की बनावट देख सकते हैं कि कितने पुराने टाइम की है और नीचे गिरिगंगा बहती हुई। और मेरे जस्ट पीछे है गिरिगंगा। गिरिगंगा का मंदिर बना हुआ है, मैया का मंदिर बना हुआ है और ये इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि ये कितना ज़्यादा खूबसूरत है। मेरे हाथ बिल्कुल जम चुके हैं, बेहद ही ज़्यादा ठंड है यहाँ, चारों तरफ बर्फ गिरी हुई है। और वहाँ ये जो वाला मंदिर है, ये है भगवान शिव का मंदिर है और वहाँ ऊपर एक टॉपर भी मंदिर है, मैं वहाँ अभी जा रहा हूँ, वहाँ से भी नज़ारा खूबसूरत ही है। और यहाँ पर देखिए सब कुछ जम चुका है और ये है मंदिर की सीढ़ियाँ। मंदिर के कपाट बंद थे इसलिए हम आपको मंदिर के अंदर के दर्शन नहीं करा पाए, लेकिन यहीं से हम आपको जो बता रहे थे गिरिगंगा से जो कोपर पीक का रास्ता है वो भी आपका यहीं से 1.5 घंटे का सफर है, तो आप जब समर्स में आए तो वो जरूर कर सकते हैं। सो 4 बज चुके हैं, ठंड भी बहुत ज्यादा हो चुकी है और ब्लैक आइस का खतरा जो है वो अभी भी बरकरार है। हमें वापस नीचे 7 किलोमीटर जाना है तो हम लोग वापस निकल रहे हैं। यहाँ नीचे मंदिर के पास ही एक कैंप्स भी है, आप लोग अगर चाहें तो यहाँ रुक भी सकते हैं।
ये भैया यहाँ कैंपिंग कराते हैं और इन्होंने भी अपना सामान पैक कर लिया है क्योंकि किसी भी टाइम अब यहाँ पर बहुत ज्यादा स्नोफॉल हो सकती है और आप फंस सकते हैं। शाम होते होते ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई थी और हम लोग भी टाइम से अपने होटल पहुंच गए। सो फाइनली हम लोग अपने होटल पहुंच चुके हैं। इस सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको लेकर जाएंगे शिमला के सबसे हाईएस्ट पीक पे, तो गेस करते रहिए और देखते रहिए।